नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ मेजरमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो भी है उसका मेजर कैसे करते हैं, कौन से यूनिट से उसका मेजरमेंट करते हैं। हमने अपने चैनल में एक पिछले वीडियो बनाया था, उसमें यूनिट कन्वर्जन का हमने टॉपिक लिया था। यूनिट कन्वर्जन जैसे एरिया कैसे, कौन सी यूनिट से कैलकुलेट करते हैं, या फिर वॉल्यूम कैसे देखते हैं, और फिर स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक फीट, ब्रास, ये सब का कन्वर्जन, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिलेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू करें, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मोड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सबसे पहला एक्टिविटी है अपना एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मेजरमेंट आइदर क्यूबिक फीट या फिर क्यूबिक मीटर में करते हैं। और अगर सरफेस एक्सकेवेशन दिया है या फिर कुछ थिकनेस मेंशन किया है 150 mm, 300 mm, तो उस हिसाब से उसका मेजरमेंट फिर स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में होता है। उसके बाद आता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का यूनिट है स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट। इसके लिए प्लिंथ एरिया को कंसिडर किया जाता है। इसके बाद है PCC, मतलब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। PCC का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में करते हैं। फिर प्लम कॉन्क्रीट। प्लम कॉन्क्रीट में एक रेशो रहता है 60-40 या फिर 70-30। जैसे 60% कॉन्क्रीट है, 40% बोल्डर्स है, या फिर 70% कॉन्क्रीट है, 30% बोल्डर है, तो उसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर से करते हैं। इसके बाद है बैकफिलिंग। बैकफिलिंग का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में करते हैं। इसके बाद है RCC वर्क्स। RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। इसमें शटरिंग का मेजरमेंट स्क्वायर फीट या फिर स्क्वायर मीटर में करते हैं। उसके बाद में रेनफोर्समेंट स्टील, जैसे कटिंग, बेंडिंग, प्लेसिंग, ये सब का इसका मेजरमेंट मेट्रिक टन या फिर KG में करते हैं। इसके बाद कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट कोई भी ग्रेड का हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो, उसका पूरा मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में करते हैं या फिर क्यूबिक फीट में करते हैं। इसके बाद आता है मैसनरी। मैसनरी जैसे ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क, कोई भी टाइप का मैसनरी हो, उसका मेजरमेंट जनरली स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में करते हैं। तो अगर वो 230 mm थिकनेस के नीचे है, तो अगर वही थिकनेस 230 के अबव है, तो उसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक फीट में करते हैं। इस मैसनरी में एक चीज देखना है, कहीं कहीं जगह थिकनेस मेंशन किया रहता है तो उस समय यूनिट स्क्वायर मीटर दिया रहता है, और कहीं कहीं जगह यूनिट अगर थिकनेस मेंशन नहीं किया तो उस जगह क्यूबिक मीटर कंसिडर करते हैं। इसके बाद रबर मैसनरी। रबर मैसनरी का मेजरमेंट आइदर क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक फीट में करते हैं। इसके बाद प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग का मेजरमेंट उसके सरफेस एरिया के हिसाब से, जैसे स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से करते हैं। इसके बाद पॉइंटिंग। पॉइंटिंग का भी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट से करते हैं। इसके बाद फ्लोरिंग, टाइल्स या फिर स्टोन वर्क, जो भी नेचुरल स्टोन वगैरह है, उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो स्कर्टिंग रहता है टाइलिंग में, फ्लोरिंग में, तो स्कर्टिंग का मेजरमेंट रनिंग फीट या फिर रनिंग मीटर में करते हैं। अभी जब हम स्टेयरकेस का काम करते हैं, उसमें राइजर है, स्टेप्स है, थ्रेड है, इसका मेजरमेंट जनरली रनिंग मीटर या फिर रनिंग फीट में करते हैं। इसमें इसके बाद जो पेंटिंग एक्टिविटी है, पेंटिंग का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में करते हैं। और डोर विंडोज फिक्सिंग या फिर ज्वाइनरी फिक्सिंग है, इसका मेजरमेंट जनरली स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में करते हैं। तो कई कई जगह इसका नंबर्स में भी कंसिडर करते हैं, जैसे नंबर ऑफ डोर्स फिक्सिंग, नंबर ऑफ विंडोज फिक्सिंग, उस हिसाब से। इसके बाद है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल आइटम्स या फिर रहते हैं, जैसे कोर कटिंग, कोर कटिंग वगैरह रहता है, उसमें अलग अलग डायमीटर के कोर कटिंग के हिसाब से रहते हैं, तो उसका मेजरमेंट पर इंच ऑफ डेप्थ, मतलब पर इंच जो जिसका डेप्थ रहेगा उस हिसाब से उसका मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद कॉन्क्रीट ब्रेकिंग या फिर डिसमेंटलिंग होता है, उसका पर क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक फीट के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। जिप्सम, POP फॉल्स सीलिंग, ये सब स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में कंसिडर करते हैं। तो फैब्रिकेशन वर्क। फैब्रिकेशन वर्क अगर ग्रिल्स वगैरह है, रेलिंग वगैरह है, तो उसको स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में कंसिडर करते हैं। अगर हेवी फैब्रिकेशन है तो उसको मेट्रिक टन में या फिर KG में कंसिडर करते हैं। इसके बाद में मशीनरी हायरिंग। जैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए हम लोग मशीनरी हायर करते हैं, जैसे पोकलेन, JCB या फिर डंपर, हाइवा, वो सब, तो उसका मेजरमेंट
वो पर मंथ उसका रेंट जो रहता है, या फिर पर आवर बेसिस पे भी कंसिडर करते हैं, या फिर पर डे पर भी कंसिडर करते हैं, या फिर अगर रेंटर रहेगा तो पर मंथ उसके हिसाब से कंसिडर करते हैं। इसमें कुछ एक कंडीशन एक्स्ट्रा रहता है कि डीजल इंक्लूडेड है या नहीं, उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट लेते हैं, फिर रेट डिसाइड होता है। इसके बाद में रिवायरिंग ऑफ रेम्पोर्समेंट, जो रिवायरिंग ऑफ रेम्पोर्समेंट स्टील का अलग अलग डाया का जो रहता है उसका मेजरमेंट पर नंबर, मतलब कितने नंबर बार हमको रिवायरिंग करना है जोड़ना है उस हिसाब से उसको मेजर करते हैं। अभी ये रहा सिविल का। अभी प्लम्बिंग पार्ट में मेन जो जी आई पाइप, यूपीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप, अलग अलग टाइप के पाइपलाइन रहता है, उसका मेजरमेंट रनिंग फिट या फिर रनिंग मीटर में कंसिडर करते हैं। अगर सीपी फिटिंग है, सैनिटरी वेयर है, तो उसको नंबर के हिसाब से कंसिडर करते हैं। इंस्पेक्शन चैम्बर से इंस्पेक्शन चैम्बर को पर नंबर के हिसाब से मेजर करते हैं। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, लाइट पॉइंट्स है, फैन पॉइंट्स है, प्लग पॉइंट्स है, ये सब नंबर्स में कंसिडर करते हैं। और केबल्स, मेन्स, सब मेन्स, ये सब रनिंग मीटर या फिर रनिंग फिट में कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अब जरूर कमेंट कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।